हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल और टेक वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाइए घंटी के आइकन को यानी बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ स्वयं प्रभा के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने स्वयं के बारे में जानकारी दी थी, जिससे आप ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां से आप ऑनलाइन शिक्षा फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। वो भी भारत सरकार का और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का एक इनिशिएटिव है और स्वयं प्रभा भी उसके साथ में ही शुरू किया गया है, एक तरह से उसके साथ जोड़ा गया है। तो स्वयं प्रभा में मिलते हैं आपको 32 चैनल, बेसिकली यहाँ पर ये एजुकेशनल चैनल के ज़रिए आपको पढ़ाई कराई जाती है, आप पढ़ सकते हैं। 32 चैनल मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश के माध्यम से, जिसे डीडी डायरेक्ट भी बोलते हैं। तो इसको आपको लेना होता है जस्ट लाइक किसी भी डीटीएच कनेक्शन की तरह, जैसे कि आप और किसी कंपनी का लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं 32 चैनल जो कि हैं एजुकेशनल, टोटल एजुकेशनल चैनल अलग अलग टॉपिक्स पर। तो इन चैनलों के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप आज मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्या फ़ायदा है इसके ऐप और वेबसाइट का। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वयं प्रभा टाइप करके आप इसको डाउनलोड कर लें और ओपन करें। इस ऐप को कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस समय। तो इस की जो स्क्रीन पर आपको दिखाएगा, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं इसमें, जो अब आप खोलेंगे तो जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं तो आप फाइनली जो होम स्क्रीन है आपकी स्वयं प्रभा ऐप की, वो आपके सामने खुल जाएगी। तो ये देखिए, ये रही स्वयं प्रभा ऐप की होम स्क्रीन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन है, अबाउट अस, बीच में है चैनल को सर्च करने का ऑप्शन, तीसरा है कॉन्टेक्ट अस का। तो अबाउट अस में जैसा कि नीचे की तरफ और दे रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा चलाया जा रहा है एक इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा, और इसमें अबाउट अस में आपको मिलेगा जो स्वयं प्रभा की जो जानकारी है जो मैंने आपको कुछ देर पहले दी कि इसमें 32 चैनल है, 24/7 इसमें प्रोग्राम रहते हैं यानी 24 घंटे, NCERT और IITs और UGC, IGNOU, NIOS, इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस के प्रोग्राम और उनके कोर्सेज के जो कंटेंट है यहाँ पर आप चैनल के ज़रिए देख सकते हैं, वो सभी यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। ये सब इसमें बताया गया है, हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। लेक्चर्स मिलेंगे आपको, आपके डायरेक्ट आपकी टीवी पर इसका टेलीकास्ट होगा। तो ये सब इस अबाउट अस के टैब में इसके बारे में जानकारी दी गई है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के प्रोग्राम हो या टीचर्स एजुकेशन के प्रोग्राम हो, वो सभी यहाँ पर आपको अलग अलग चैनल के माध्यम से मिलेंगे। उन चैनलों पर जाकर, उन चैनल नंबर पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो इस ऐप में ये बताया गया है अबाउट अस के टैब में। अब यहाँ ऊपर की तरफ तीन जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो मेन्यू के लिए ऑप्शन, खोलने के लिए ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें, तीन लकीरें हैं, ये ऑप्शन आपको खुलेंगे। देखिए आपका मेन्यू इस तरह से रहेगा इसका मेन्यू, और इसमें आपको मिलेंगे होम, अबाउट, चैनल एलोकेशन, हाउ टू एक्सेस और प्रोग्राम शेड्यूल। तो होम, अबाउट और हम देख चुके हैं, और चैनल एलोकेशन इसमें आप जब क्लिक करते हैं तो आप इस चैनल एलोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उन सभी चैनल्स की लिस्ट जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल 32 चैनल्स हैं, 32 चैनल हैं, उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी कि कौन सा चैनल किस चीज़ के लिए है। नाम मिलेंगे आपको, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि हर किसी के लिए अलग अलग चैनल है, चाहे लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हिस्ट्री, फिलॉसफी के लिए चैनल का नंबर अलग है, और कौन सी संस्था इसको प्रोवाइड कर रही है, जैसे CEC है, UGC है, और इसी तरह से जो आप चैनल के हिसाब से ये देख सकते हैं कि किस संस्था के प्रोग्राम और किस टॉपिक के, किस सब्जेक्ट के प्रोग्राम किस चैनल पर हैं, उस विशेष चैनल पर जाकर आप अपने जो आपको ज़रूरत हो उस चैनल का नंबर यहां से देखकर आप उस चैनल का अपने जो डीडी डिश पर आप फ्री देखेंगे वो देख सकते हैं। तो ये ऐसे 32 तक ये चैनल हैं। आखिर में आपको मिलता है IGNOU और NIOS के कोर्सेज, तो वो यहां पर आप अवेलेबल हैं, उसके लेक्चर्स वो आप देख सकते हैं यहां पर। तो इस तरह से आप चैनल्स के बारे में ये जान सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए।
अब जो नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें कि आप चैनल जो प्रोग्राम का शेड्यूल, जो इस ऐप का सबसे ज़्यादा मेन उद्देश्य है कि आप किसी भी चैनल पर कौन सा प्रोग्राम कब आने वाला है, कैसे आप उसका टाइम, उसकी डेट और कितनी बार वो रिपीट होगा ये सब जान सकते हैं। ये ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम शेड्यूल में आपको मेन्यू में, तो वहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको सामने ये डिटेल आएगी कि जब आप क्लिक करते हैं कि आप कौन सा प्रोग्राम, यानी सॉरी कौन सा चैनल जो आपका है और किस संबंध का जो प्रोग्राम, आप किस कोर्स रिलेटेड प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं और उसका क्या शेड्यूल रहेगा, कितने समय वो किस टाइम पर आपकी टीवी पर टेलीकास्ट होगा चैनल पर और उसका रिपीट टाइम का रहेगा। ये आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें चार बार कोई भी प्रोग्राम रिपीट किया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो देखिए प्रोग्राम इस तरह से आप सर्च कर लें, अपने प्रोग्राम के शेड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ चैनल आपको सेलेक्ट करना होगा। चैनल आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका चैनल है उसका नंबर आप इसमें जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट कर लें उस चैनल को, और उस चैनल को सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो लिस्ट में से जो चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम आपको नीचे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सारे चैनल की लिस्ट है और यहाँ पर आपको अपना जो प्रोग्राम है, चाहे वो NIOS हो, चाहे IIT हो, चाहे IGNOU हो, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। नीचे देखिए ये सेलेक्ट करने के बाद आपको जो प्रोग्राम शेड्यूल है वो लोड होगा यहाँ पर, तो और वो दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। चाहे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आप वेबसाइट के थ्रू देखें, चाहे इसके थ्रू देखें आप ऐप के थ्रू, तो ये आप देख सकते हैं और वहाँ मिलेगी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है किस डेट पर, किस टाइम पर, किस डे पर ये टेलीकास्ट होंगे प्रोग्राम, टॉपिक के साथ में आपको बताया गया है। यहाँ पर रिपीट टाइम का ऑप्शन आखिरी में दिख रहा है, उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक बॉक्स में आपको जो दिखाई दे रहा है कि किस टाइम पर चार बार जो रिपीट होगा उन चार बार को रिपीट होगा, यानी आपका कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो इसलिए आप देख सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि आप चार बार में से कभी भी आप देख सकते हैं सेम प्रोग्राम को, तो ये इसकी फैसिलिटी है। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको एड्रेस जो टाइप करना हो वो होगा swamprabha.gov.in। इस एड्रेस को टाइप करके आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएं। इस वेबसाइट पर मिलेगी आपको कई तरह की जानकारियां, जो कि वही जानकारियां जो कि ऐप में इंक्लूड की गई हैं, दोनों में वही जानकारी दी गई है ताकि आप दोनों ज़रिए से जो आपको सूटेबल लगता है जानकारी ले सकें। कुछ और ऑप्शन इसमें हैं, खासकर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर आप बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के आपको कुछ फ़ायदे यूज़र को मिलेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र्स को। पहला फ़ायदा यह है कि आपको अपने मोबाइल पर जो भी अपकमिंग आने वाले जो एक तरह से जो प्रोग्राम है उनकी डिटेल्स, कब क्या टेलीकास्ट होगा, उसकी डेट्स क्या रहेंगी, आपको पहले ही हफ्ते भर के अलर्ट मिल जाते हैं तो आप समय पर उनको देख सकते हैं, मिस नहीं करेंगे। और भी आने वाले समय में कई फैसिलिटीज़ इसमें इंक्लूड की जाएंगी ऐप में और वेबसाइट में, इस रजिस्टर्ड यूज़र्स के लिए भी होंगी। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, कैटेगरी, कैप्चा कोड डालकर साइन अप के बटन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर्ड यूजर्स को कई फ़ायदे मिल सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें आप। इसके बाद कुछ एक ऐसी कन्फ्यूज़न है जो लोगों में रहती है कि स्वयं प्रभा वेबसाइट पर या ऐप पर भी हमको वीडियोज़ मिलेंगे, टेलीकास्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो जानकारी है वो यही है कि यहाँ पर आपको शेड्यूल देखने मिल सकता है, कुछ छोटी मोटी जानकारी जो इसके बारे में है वो मिल सकती है, कुछ थोड़े बहुत डाउनलोड आप कर सकते हैं, लेकिन जो असली कंटेंट है वो आपको DD फ्री डिश के माध्यम से अपने टीवी पर आप देख सकते हैं, चैनल के माध्यम से जैसे कि आप और कोई चैनल देखते हैं। तो DD फ्री डिश आपको 1500 रुपये में ख़रीदना होगा, जो कि एक बार का चार्ज है। इसमें रिचार्ज का कोई बताया नहीं गया, इसलिए ये फ्री बताया गया, आपको रिचार्ज में कोई खर्चा नहीं करना है, तो ये फैसिलिटी है, तो आप याद रखें इसको। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप और भी जानकारियां प्राप्त कर सकें। थैंक यू।